सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सभी विभागों को ऑनलाइन से जोड़ा है, साथ ही बाजार में चलने वाली करेंसी को भी ऑनलाइन करते हुए डिजिटल इंडिया बनाने की बात की जा रही है। लेकिन डिजिटल बनने की होड़ में ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को शहर के अशोक नगर में एक बैग की दुकान पर ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला देखने को मिला है, जिसमें एक ग्राहक ने 5 से 5,500 का बैग पसंद किया और व्यापारी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात कही। ऐसे में व्यापारी भी पेटीएम से पैसे लेने को तैयार हो गया। बैग खरीदने आए ठग ने एक फर्जी एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर करने का ढोंग किया और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज अपने मोबाइल में व्यापारी को दिखा दिया और 5,000 रुपए का बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। ऐसे में देर शाम जब व्यापारी को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसने यह जानकारी सबसे पहले एटीएन उदयपुर न्यूज को देते हुए शहरवासियों से इस ठग से बचने की अपील की है। सरकार द्वारा ओरिजिनल करेंसी को खत्म कर प्लास्टिक करेंसी पर डिपेंड रहने से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी हमारी साइबर टीम भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई है कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले धोखेबाजों पर नकेल कस सके। साथ ही एटीएन उदयपुर न्यूज भी अपील करता है कि यदि आप में से कोई इस ठग को पहचानता हो तो एटीएन उदयपुर न्यूज या पीड़ित तक जानकारी पहुंचाए ताकि शहर में कोई और ठगा न जाए। मेरा नाम दुर्गेश मीणा है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं, अमेरिकन टूरिस्टर, अशोक नगर, उदयपुर। आज मेरे साथ एक घटना घटित हुई, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। सुबह एक कस्टमर आया और उसने मेरे साथ फ्रॉड करके चला गया। घटना क्या हुई मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जैसे ही कस्टमर अंदर आया, उसने बोला कि भाई साहब मेरे को एक बैग लेना है। मैंने कहा बिल्कुल सर, आपको मिल जाएगा बैग, कौन सी साइज़ का लेना है? उन्होंने कहा मेरे को फुल लार्ज साइज़ चाहिए और 5,500 तक जो बैग है वो मेरे को चलेगा। मुझे ठीक है, तो मैंने उनको 5,000 वाला बैग दिखाया, उन्होंने पसंद कर दिया। रेड कलर का बैग था और बड़ी साइज़ का था, तो उन्होंने पसंद कर दिया। फिर उन्होंने बोला भाई साहब मैं 5,500 आपको पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करूँगा और 500 रुपये मेरे को कैश चाहिए। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, एक बार तो मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं, मैं कैश नहीं दे पाऊँगा, जो भी है आप खाते में भेज दीजिए, हो जाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा सोचा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैंने क्या किया कि उसने 5,500 का स्कैन कर, जो कार्ड था QR कोड, उसको स्कैन किया और स्कैन करने के बाद मेरा नाम पूछा कि भाई साहब आपका नाम यही है? मुझे हाँ यही है। तो मैंने कहा भाई आप पैसे भेज दो, तो उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए मेरे को 5,500 और स्क्रीनशॉट बता दिया, मतलब जो पेमेंट होने के बाद सक्सेस होता है वो एक मेरे को बता दिया कि भाई साहब देखो ये ट्रांसफ़र हो गए पैसे। मैंने कहा भाई ठीक है भाई साहब, तो मैंने उनको अटैची दिखाई, पसंद करवाई और पैक करके मैंने दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कस्टमर मेरा बैग जो उनको दिया वो लेके चला गया। मेरा मोबाइल मेरे पास में था, मैंने देखा नहीं कि मेरे पास पैसे आए कि नहीं आए। फिर वो जाने के बाद मैंने देखा तो उसके ना तो कोई मैसेज आया था ना मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो ये पेटीएम के साथ मेरा आज 5,500 का फ्रॉड हुआ है, जिसमें 5,500 ना तो मेरे पैसे आए और उल्टा मेरे से 500 रुपये कैश लेके वो चला गया। ये आज उदयपुर में मेरे साथ ये घटना घटित हुई है।